रीवा नगर सरकार ने वर्ष 2024-25 का बजट आज परिषद के समक्ष पेश कर दिया है। यह बजट भी पिछले वित्तीय वर्षों की तरह ही जनहितैषी बताया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सौंदर्य एवं विकास कार्यों की बात कही गई है। हालांकि इस बजट में भी तोड़ो बनाओ जैसी योजनाओं पर ज्यादा बल दिया गया है। पुराने वित्त वर्षों की भांति स्वच्छ भारत मिशन, तालाबों के संरक्षण, स्कूलों के उन्नयन, पशुओं के बधियाकरण और महापुरुषों की मूर्ति लगाने जैसी चीजों पर बल दिया जा रहा है। इधर पेश किए गए बजट में स्मार्ट प्याऊ कन्या पाठशाला में 2 घंटे कोचिंग की सुविधा जैसी बातें कही गई हैं। एक बार फिर पेश किए गए बजट में निर्मित पार्कों के रखरखाव एवं सौंदर्यीकरण के लिए 200 लाख का प्रावधान किया गया है। अब नगर निगम अपने नए बजट में महिला पार्क विकसित किए जाने के लिए 100 लाख का प्रस्ताव लेकर आई है। पिछले वित्तीय वर्ष में चल रहे पार्कों के कार्य भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। रीवा में कई दर्जन पार्क स्थापित हैं जो अब विलुप्त होने की कगार में हैं। ऐसे में नगर निगम के द्वारा पेश किया गया बजट आम जनता की समझ से परे होता दिखाई दे रहा है। हालांकि नगर सरकार के द्वारा पेश किए गए इस बजट में भी मूलभूत समस्या, पार्किंग, हॉकर्स कॉर्नर, टैक्सी स्टैंड और गरीबों के लिए रोजगार एवं उनके स्थान पर चर्चा नहीं की गई है। हालांकि बजट पेश होने के बाद बजट में चर्चा करने के लिए परिषद के सदस्यों के द्वारा समय मांगा गया है, जिसमें 24 घंटे के बाद एक बार फिर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आज प्रभारी सदस्य द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, जिस पे नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा जी ने जो विपक्ष के पार्षद उनकी तरफ से समय मांगा है कि बजट का हम अच्छे से अवलोकन कर लें, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तो कल 12 बजे परिषद की बैठक पुनः आहूत की जाएगी, उस पर बजट पे चर्चा होगी। कितना का बजट है विस्तृत वो मतलब व्याख्यान किया गया था, इसको क्या समझ में आता है, क्या नीति है या फिर कुछ विकास का है? ये बजट की कॉपी तो अभी हमने भी नहीं देखी है, आज मिला है, सब लोग देखेंगे, देखते हैं क्या कैसा है। कितने करोड़ का प्रयास, कुछ अरब का बजट बताया, अभी क्लियर उन्होंने नहीं कर पाए हैं और इस पर चर्चा कर ली होगी तो पूरा, अभी हमने भी बजट को देखा नहीं है। कुछ ऐसे नियम बजट में रखे गए हैं जिसकी वजह से कुछ नए नियम अलग से नियम का पालन करा रहे हैं, जबकि ऐसे कोई रूल ही नहीं है। ये नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने अपनी कुछ बातें रखी हैं, उसको भी देखेंगे कि क्या है अपने नियम में, क्या है अधिनियम में, क्या है, उसके बाद जैसा भी नियम में होगा अधिनियम में उस हिसाब से कार्रवाई होगी। बजट को पढ़ने के लिए आपके द्वारा 24 घंटे का समय दिया गया। हाँ, कल 12 बजे बैठक की विशेष बैठक होगी, उसी पे फिर से चर्चा होगी। बैठक पे बजट पे चर्चा कल 12 बजे होगी।